हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ कहें, मुंबई में, पूना में, नागपुर में, सतारा में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंबई में। देखिए कब हुई थी, ये 1885 में, 1885 ईस्वी में जो है ये जो है ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे या इस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपके ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कौन थे भाई, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, तो ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, कब हुई थी, 1885 में। किसने स्थापना की थी, ए ओ ह्यूम ने, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया था, कह रहे कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद पाल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए 1893 ईस्वी में जो है आपका गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की स्थापना की थी, ठीक है। तो बाल गंगाधर की एक पुस्तक है क्या, केसरी, ठीक है, पत्रिका थी। तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कहने भाई शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। सही ऑप्शन कहने पटना में, सीतामढ़ी में, सासाराम में, या रोहतासगढ़ में। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सासाराम में। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, सासाराम में, ठीक है। देखिए शेर शाह जो है, जो इनका कार्यकाल था कितना, 1540 से 1545, ठीक है। तो ये 1540 में इसमें इन्होंने गद्दी पर बैठे थे। देखिए इनका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। तो इनका बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है कि शेर खां के, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था, ठीक है। इन्होंने बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी के बाद जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। देखिए कलिंजर पर विजय प्राप्त के उपरांत जो है इनकी जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी कि महमूद गजनबी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंस है, प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सा इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था भाई, तो ये आपका था बी नंबर, सोमनाथ का पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण जो है ये जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, ठीक है। यह कब किए थे, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। इनको लगभग कितना, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं महमूद गजनबी के बारे में कुछ। देखिए ये जो है 998 ईस्वी पर कहाँ गद्दी पर बैठे थे और भारत पर यह 17 बार आक्रमण किए थे। भारत पर इनका पहला आक्रमण कब हुआ था, 1000 ईसा पूर्व, कब भाई, 1000 ईस्वी में जो है ये पेशावर के आसपास क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। और दूसरा जो है 1001 में जयपाल पर आक्रमण किए थे, ठीक है। और यहाँ एक पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये महमूद गजनबी था, ठीक है भाई। और इनके दरबार में आपसे पूछा जाता है कौन थे कभी, तो अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उदबी थे और फरूखी थे, ठीक है। तो अलबरूनी फिरदौसी जरूर याद रखिएगा, इनके दरबार में थे। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बताइए भाई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। तो बोध गया में इनको क्या वही हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुई थी। देखिए इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप इनको याद रखिएगा। देखिए इनको जन्म जानते हैं आप, 563 ईसा पूर्व में लुम्बनी में हुआ था ना, लुम्बनी में हुआ था। देखिए जो इनका जो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है,
बौद्ध ग्रंथ में, तो वहां भी निष्क्रमण कहा जाता है। और प्रथम उपदेश बहुत पूछा जाता है तो सारनाथ में दिए थे। कहां भाई? सारनाथ में दिए थे। और जिसे हम बौद्ध ग्रंथ में हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जब उपदेश दिए थे उसमें जो है बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। इनकी भाषा जो थी पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। ठीक है, मृत्यु जो है कुशीनगर, और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। देखिए महापरिनिर्वाण कहलाता है, इनकी जो मृत्यु क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलिए भाई, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करें कि नालंदा बोस, बीसी सन्याल, यामिनी राय या रविनाथ ठाकुर। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविनाथ ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए बंगाल कला शैली शांत निकेतन में फलीफुली, जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की। यहां के प्रमुख कलाकार नंदलाल बोस जैसे विनोद बिहारी और मुखर्जी आदि जो हैं यहां के प्रमुख कलाकार हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करें कि नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य कितने अभी? 8 हैं। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन कौन करें? मणिपुर में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, केरल में। ठीक है, केरल में। ठीक है, तो कुल आपके कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं, याद रखिएगा भाई। तो भरतनाट्यम आपका, देखिए मोहिनी अट्टम आपका केरल हो गया। अगला देखिए 8 है कुल ना, एक भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कथक जरूर याद करिएगा भाई, ये यूपी का है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक यूपी का, कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए कुचिपुड़ी को आराम से याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आधी पकी। तो आधी पकी जो पूड़ी है वो कैसे पकी है? आधी पकी। तो आधी मतलब आंध्र प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर को आराम से याद हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल को हो गया। और उड़ीसी आप उड़ीसा याद रखिएगा। और शास्त्रीय जो है सबसे नया है असम का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नवीनतम कौन है? शास्त्रीय। ठीक है, असम का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है? तो बताइए भाई, देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वन का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ जो है सुंदर वृक्षों की क्या है? अधिकता, इसलिए इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए भाई, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो कहाँ पर साल भर वर्षा होती है? तो कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखी क्षेत्र में। अब देखिए भाई, ये ज्वालामुखी है और स्थान है, आपको यहां क्या करना है? मैच करना है। इसमें देखिए कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा? तो आपको यहां सुमेलित वाला नहीं, आपको कहां का पहचानना है। देखिए एटना ज्वालामुखी इटली का, ये आपका सुमेलित है। आगे करते हैं ऊपर थोड़ा सा, देखिए, और फ्यूजियामा ये आपका जापान का है, सही है। और इटली, इटना जो इटली का, ये भी पोपा ये म्यांमार का है, ये भी आपका सुमेलित है। देखिए क्राकाटोवा ये इक्वाडोर का नहीं है, क्या भी ये नहीं है? तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए ये कहाँ का है? ये सुंडा का है। कहाँ का है ये? सुंडा का ज्वालामुखी है, क्राकाटोवा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सुमेलित नहीं है। अगला है, कहें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो कह रहे कि न्यूनतम जो है MSP, जो आप सुने होंगे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, तो इसका कह रहे हैं कि यह कौन निर्धारित करता है? देखिए इसका मतलब, देखिए जैसे MSP, जैसे सरकार ने कह दिया, तो ये भारत सरकार निर्धारित करती है। तो देखिए जैसे भारत सरकार ने कह दिया कि भैया किसानों को जो व्यापारी होंगे, मान लीजिए 1940 रुपये पर कुंटल आपको अनाज लेना है, या उनके कोई भी वस्तु हो इतना में आपको लेना है, तो आप इसको 1939 रुपये में नहीं ले सकते हैं, इससे अधिक ले सकते हैं, लेकिन 1940 से नीचे आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यही होता है। तो देखिए कौन जारी करें? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं, राज्य सरकार नहीं, कृषि लागत एवं मूल आयोग नहीं। तो देखिए करें, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर कौन करता है? ये भारत सरकार निर्धारित करती है। क्या भाई? भारत सरकार निर्धारित करती है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलें आगे,
आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। टोल नंबर देखिए, कह रहे कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या, तो इसका आपको बताना है भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कह रहे कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो किसका सबसे अधिक योगदान है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अगला है कहने कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कहने कि तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है, संरचनात्मक है, बताइए भी भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी की विशेषता यह है कि बेरोजगार श्रमिकों में विस्तार, उद्योगों द्वारा आवश्यक कौशल की कमी है। ठीक है, तो ये है जो संरचनात्मक, तो ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, संरचनात्मक है। आगे देखते हैं कह रहे कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है भी? तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा क्या कराना है भाई, उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति योजना का संबंध है, तो इस प्रकार सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कह कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, कौन सी कह कि संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसदीय प्रणाली जो है, या जो है आपकी कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मूल कर्तव्य कहाँ से है भैया, रूस से, कहाँ से, रूस से है। ठीक है, और संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये कनाडा से, कहाँ से, कनाडा से। देखिए इनसे प्रश्न आपको जरूर आता है कि संविधान के जो स्रोत हैं अन्य देशों से क्या क्या लिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि भारत में प्रधानमंत्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है, तो आपको क्रम से लगाना है कि कौन पहले आया था। ठीक है, देखिए पहले तो आप जानते हैं ये तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कब थे, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक थे। ठीक है, कब से कब, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 थे। ठीक है, 1964 तक। ठीक है, तो ये थे, तो दूसरा हो गया, और अगला फिर कौन बना था भाई, फिर इंदिरा गांधी बनी थी, कौन सी, इंदिरा गांधी, ये 24 मार्च 1966 से 1977 तक थी। ठीक है, तो दूसरे पे आपको, तो पहला ये हो गई जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हो गई इंदिरा गांधी, और तीसरा मोरारजी देसाई, तीसरा भाई मोरारजी देसाई हो गए। ठीक है, जो मोरारजी देसाई के क्या था भाई, 24 मार्च 1977 से 28 जून 1979 तक थे। ठीक है, और मुरारजी जो है सबसे वृद्ध आज के, मतलब अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे वृद्ध व्यक्ति जो बनने वाले हैं वे मुरारजी देसाई हैं। ठीक, और फिर आए चरण सिंह, चरण सिंह जो है ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक थे। ठीक है, 1980 तक थे, तो इस प्रकार आपको क्रम हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए सबसे युवा आपको याद रखना है राजीव गांधी जो 40 वर्ष की अवस्था में बने थे, और सबसे कम दिनों तक कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहे, तो ये गुलजारी लाल नंदा जो केवल 13 दिन रहे, कितना भाई 13 दिन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, सबसे कम दिन तक। ठीक है, तो ए नंबर आप सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कहें कि एकल हस्तांतरणी मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, तो क्या कर सकता है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। आगे देखते हैं, अगला देखिए, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता रहता है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ठीक है, देखिए प्रश्नकाल का जो देखिए लोकसभा की पहला जो घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, या जो है 11 बजे देखिए बैठक होती है 11 से 12 बीच के, तो ये प्रश्नकाल है। ठीक है, प्रश्न
काल ठीक कहलाता है। और सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? शून्य काल कहते हैं। ठीक है, शून्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। प्रश्नकाल का समय पहला सदन की पहली बैठक से मतलब 11 बजे बैठक होती है तो एक घंटा चलता है, 11 से 12 प्रश्नकाल, फिर 12 से 1 बजे तक क्या चलता है? शून्यकाल चलता है। तो आपका सी सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि शून्यकाल कहाँ से लिया गया, किस देश से? तो भाई ये कहीं से नहीं लिया गया, ये भारत का है। ठीक है, आइए आत्मकथा। द इंडियंस स्ट्रगल के लेखक कौन है? देखिए कहने की द इंडियंस स्ट्रगल के लेखक कौन है, बताइए भी कौन है? कौन है तो आपका बी नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है आप जानते हैं 23 जनवरी पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 1897 को, ठीक है 1897 को कटक में हुआ था। जानते हैं कटक कहाँ है? कटक मतलब उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। देखिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, कहाँ किया था ये आपसे पूछा जाता है? जापान में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ किए थे? जापान में। इन्होंने एक नारा दिया था बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप उनको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं भाई अगला कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, बताइए भाई हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इनका कार्य मुख्य क्या है? आपका भी हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है शरीर में पहुंचाना। अगला है मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, तो कौन है ये इसका? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मादा एनोफिलीज। ठीक है, कह रहे कि आवृत का मात्रक है। देखिए आवृत और टाइम में रिलेशन क्या होता है? एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/T। ठीक है, 1/T। तो बताइए भी सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए हर्ट्ज और सेकंड, हर्ट प्रति सेकंड, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगर ये सेकंड नहीं रहेगा तो आप डी वाला भी लगा देंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भाई। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है, बताइए भाई? तो ये कहाँ है आपका? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कानपुर। तो कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय यूपी में? 5। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए जो विद्यालय जो है ये आपका कानपुर में है, और कितने हैं आपके? 5 है। कहाँ कहाँ? देखिए अयोध्या में है, बांदा में है, कानपुर में है, मेरठ में है, झांसी में है। ठीक है, ये आपके 5 जो हैं उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं अगला है। कह रहे उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका कई बार प्रश्न आया हुआ है भाई, तो आपका कहाँ किया गया है? ये वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बनारस भी दिया रहेगा ऑप्शन में तो बनारस ही लगाना। ठीक है, अब देखिए भाई इसको मिलान करना, सूची एक और सूची दो को आपको क्या करना है? मिलान करना है, तो ऊपर करते हैं और नीचे आपको कूट देना है। देखिए कह रहे कि कनक भवन, तो ये कनक भवन कहाँ? ये अयोध्या में, तो आपका 4 चला जाएगा। कामदगिरी पर्वत ये आपका कहाँ है? ये आपका 3 में चला जाएगा, ये चित्रकूट में है। ठीक है, कलिंजर दुर्ग आपका कहाँ है? ये बांदा में है। और देवा शरीफ कहाँ? ये बाराबंकी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ए का चौथे से हो जाएगा, बी का तीसरे, सी का दूसरे, और ए का पहले का डी से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? तो ये किस सरकार में हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी की सरकार में। अगला है, कह रहे हैं कि पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं, कौन है भी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीजीपी। डीजीपी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? सुना अनसुना कर देंगे? नहीं करेंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, ये आपका नहीं। करें तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे, अगला करें अपना फ़ोन बंद कर लेंगे, नहीं आपका सी नंबर सही हो जाएगा, तुरंत क्या करेंगे? पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे कि फला जगह आप फायरिंग हो रही है। ठीक है, अगला है,
स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य है? ठीक है, सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने का सहायता करना नहीं, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना, करें महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करना नहीं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो स्वावलंबन योजना जो है 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, या जो है वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या, असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचाने के लिए प्रोत्साहित करना और इस तरह के ग्राहकों के पेंशन प्रणाली संचालन की लागत कम करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने की समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? कौन कौन सी भाई? तो आपका देखिए कह रहे निःशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार, टीकाकरण, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, चैटिंग कहा जाता है। अगला है, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है, तो ये बताइए सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला करें घास के मैदानों में, वनों में, समुद्र में, मरुस्थल में, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, घास के मैदानों में। अगला है, करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, देखिए ये दिवस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षा में आया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका ए नंबर हो जाएगा, 8 मार्च को। कहें कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मत्स्य उद्योग से। ठीक है, मत्स्य उद्योग से, ठीक है, तो ये आप काम के नहीं प्रश्न। चलिए तो इस प्रकार आपके पूरा प्रश्न प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।